तुम्हें पूरी ट्रेन खरीद कर उन्हें रोक देना चाहिए था। मैडम टिकट के पैसे तो थे नहीं, रेल का डब्बा कैसे? शट अप! कि हमने ट्रेन में सुहागरात मनाई थी, वो मैंने बंडल मारा था। अबे खाना खत्म करो, राजा को खत्म करने का कोई प्लान सोच। क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? इतनी भी जल्दी क्या है चाचा जी, अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है। हमने जितनी भी जेलें अटेंड की है ना, आई टेल यू उनमें से दिस इज द बेस्ट। आई थिंक यू टेक रेस्ट, दीदी आ रही है। उसने शर्त लगाई है कि वो मुझे अपनी बहन से माफी मंगवाएगा और मुझे अपने कदमों पर झुकाएगा, इसलिए मेरा दामाद बना है, मेरी बेटी का फायदा उठा रहा है। आई टेल यू दीदी, इज अ थर्ड रेट पर्सन। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं, मैं भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। पहले ये बताओ, उनकी सुहागरात तो नहीं हुई ना? नहीं अभी नहीं। तो फिर ये सुहागरात होगी भी नहीं। रेखा ये लो रुपये, तुम्हारे काम आएंगे, 50,000 रुपये। इतने सारे रुपयों का हम क्या करेंगे मम्मी, हम वहाँ खरीदारी करने थोड़ी जा रहे हैं। सासू जी कितनी दरिया दिल है, हमारे हनीमून के लिए खड़े खड़े इन्होंने 50,000 रुपये दे दिए। रेखा हमें भी सासू जी के लिए एक अच्छा सा तोहफा लाना चाहिए। हाँ हम मम्मी के लिए एक शॉल खरीदेंगे। शॉल? तुम्हारी इसी बातों से तो मुझे चिढ़ाती है, क्या सासू जी अपने लिए एक अच्छा सा शॉल नहीं खरीद सकती? अरे हमें तो सासू जी के लिए एक ऐसा तोहफा लाना चाहिए जो ये खुद नहीं खरीद सकती। जैसे एक छोटी सी नन्नी सी बेबी, बिल्कुल सासू जी जैसी। अच्छा मम्मी हम लोग चलते हैं। अरे ये तो लेती जाओ अब, चलो ना। अपने हनीमून पर जाने के लिए आपकी बेटी कितनी उतावली हो रही है। अच्छा सासू जी तुम इतना मेकअप क्यों कर रही हो, थोड़ी देर में तो बिगड़ने ही वाला है। क्यों? सुहागरात को कुछ बिगड़ता है तो ही कुछ बनता है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तुम्हारा मतलब हम इतनी दूर सोने आए? सोने नहीं आए, तो क्या करने आए? तुम्हें हर चीज पता नहीं क्यों पड़ती है, तुम बचपन से ही ऐसी हो। अब सुनो, जो आधी दुनिया ओ गॉड सास का जासूस। क्या है बे, क्या है? सैड न्यूज़। क्या हुआ? सैड न्यूज़। इधर इधर। अबे हुआ क्या, बात क्या है? सैड न्यूज़, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। अरे ये तो हैप्पी न्यूज़ है, मतलब डीडीटी बाबा की खटिया खड़ी, फिनिश, लकी डे, लेट्स गो। सैड न्यूज़, माजी की कार का एक्सीडेंट हो गया। कैसी है वो, ठीक तो है ना? मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ? अरे रो मत बीबी से, शांत हो जा। अब बता एक्सीडेंट हुआ कैसे? सैड न्यूज़, अपने मुंह से कैसे कहूँ? अरे भाई कोई मरा वरा तो नहीं? अपने मुंह से कैसे कहूँ? किसी की हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई? अपने मुंह से कैसे कहूँ? अरे अपने मुंह से नहीं तो फिर कहाँ से कहेगा? सैड न्यूज़, ये बेचारा ऐसी सैड न्यूज़ लाया है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? चलो जल्दी से सामान बांधो। मम्मी आप ठीक तो है ना? हमने तो सुना आपका एक्सीडेंट हो गया। काली मैया का लाख लाख शुक्र है सासू जी कि आपको कुछ नहीं हुआ, वरना एक्सीडेंट में तो हाथ पैर टूटने के चांसेस होते हैं, है कि नहीं सासू जी? कार तो बहुत बुरी तरह टूट फूट गई, लेकिन भगवान की दया से मैं बच गई। मैंने बहुत मना किया था कि बेचारे हनीमून पर गए हैं, उन्हें मत भुलाओ, लेकिन भैया नहीं माने। तुम लोग थक गए होंगे, जाकर आराम करो, जाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूं किसने हमारी खुशी पर लात मारी है। अच्छा होगा सीधे सीधे जिसने किया वो कबूल कर ले, वरना ऐसे लोगों के लिए मेरे पास गालियों का भंडार है। शुरू करूं तुम्हारी माँ तो हमें रात को सुनाई नहीं देता। अच्छा तो मैं सुबह दे दूंगा। जमाए राजा, देख लिया, मैं अपनी बेटी को तुमसे अलग रखने में और तुम्हारी सुहागरात रोकने में कैसे कामयाब हो गई? ये दुर्गेश्वरी देवी का दिमाग है, कैसी रही? अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। लेकिन सासू जी आपको मेरे दिमाग की भी दाद देनी चाहिए। मुहूर्त बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने रेल के डिब्बे में ही सब कुछ कर दिया। क्या कर दिया? सुहागरात। सैड न्यूज़। सासू जी इतने अच्छे मुहूर्त को मैं कैसे बेकार जाने देता? आखिर जमाई राजा आप ही का हूं, ये कैसी रही? मामा जी जी
मैं अपनी दूसरी सुहागरात यहीं मनाऊंगा, वरना मेरी सासू जी को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैंने फूलों के ऑर्डर पहले ही दे दिए थे। जरा जाकर देखिए फूल है कि नहीं। आप लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम दोनों के इस तरह मेरे सामने खड़े होते हुए शर्म नहीं आती? अब मैडम उन्होंने रेल के डब्बे में ही छटाके फटाके कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? छटाके फटाके? तुम्हें पूरी ट्रेन खरीद कर उन्हें रोक देना चाहिए था। मैडम टिकट के पैसे तो थे नहीं, रेल का डब्बा कैसे? शट अप। फूल, केला फूल, बर्फी फूल, संतरा फूल, लड़ी फूल, उनके साथ था तो उनको क्यों नहीं रोका? बॉस अभी जाके रोक लूं। अभी रोकेगा तो तेरे साथ छटाके फटाके हो जाएगा। इससे पहले कि पहाड़ टूट पड़े या भूकंप आ जाए, हमें जल्दी से सो आगरातवाद बना के काम खत्म कर देना चाहिए। Come on, baby. इतनी भी जल्दी क्या है? ये रात तो जिंदगी में एक बार आती है, और फिर हम सुहागरात मना रहे हैं, कोई बस थोड़ी पकड़ रहे हैं। सुहागरात को लोग कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। और एक तुम हो के जल्दी करो जो। I'm sorry, I'm sorry, रेखा, I'm sorry. रेखा रेखा मैं तुम्हें इतने प्यार से रेखा रेखा किए जा रहा हूँ और तुम म्याओ म्याओ किए जा रही हो। प्यार से राजा नहीं कह सकती मैंने? तुम ही तो कब से रेखा म्याओ किए जा रहे हो। क्या देखा? ओह माय गॉड, सासू जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? खबरदार अगर मेरी मम्मी को बिल्ली कहा तो। ओ छोड़ो बेचारी बिल्ली को यार, चलो अपना काम करते हैं। कम ऑन, मुझे शर्म आएगी ना। तुम्हारा सॉरी तुम्हारा मतलब ये बिल्ली जाके सबको बता देगी कि इसने क्या क्या देखा? ऐसा करते हैं, इस बिल्ली को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। म्याओ, 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 म्याओ। क्या करें? वही जो आधी दुनिया आधी रात को बाकी आधी दुनिया के साथ करती है। सासू जी, मेरा सारा बदन दर्द कर रहा है, सारी रात में सो नहीं पाया, ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया। अच्छा, फिर भी इतने खुश नजर आ रहे हो। अब क्या बताएं सासू जी, रात ही कुछ ऐसी थी, रेखा भी सो नहीं पाई। क्यों, क्या हुआ उसे? वही जो ट्रेन में नहीं हुआ था। क्या मतलब? सुहागरात। हाँ सासू जी, मैंने आपसे कहा था कि हमने ट्रेन में सुहागरात मनाई थी, वो मैंने बंडल मारा था। हाँ सासू जी, आपके प्यारे प्यारे हाथों से बनाया हुआ हलवा और दूध बादाम, आपके इतने प्यार से दिए हुए रेशमी जोड़े, आपका वो खानदानी पलंग, ये सब छोड़कर मैं किसी घटिया होटल में या किसी खरगड़ी ट्रेन में सुहागरात मनाता तो आपको कितना बुरा लगता? ये पाप मैं हरगिज नहीं कर सकता। कल रात जो हुई वही असली सुहागरात थी। आपको भरोसा नहीं है तो पलंग की हालत जाकर देख लीजिए, आपकी कसम। रेखा, ओ रेखा, अरे नहाने का पानी गर्म हुआ कि नहीं? तुम लोगों ने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि वो सुहागरात नहीं मना पाएगा, लेकिन उसने जैसा चाहा वही हुआ। अगर हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे ना तो वो जीत जाएगा, और जो करने की धमकी दी है वही करेगा। दीदी, मैं खाता मुंह से हूं लेकिन सोचता दिमाग से हूं। अब तो रेखा के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करने का बस एक ही तरीका है, उसे घर से भगाया जा सकता है, उसे जेल भिजवा दो। कौन सी जेल में? तिहाड़ जेल में या नासिक जेल में, आगरा जेल में या सेंट्रल जेल में? मेरे बॉस की सब जेलों में जान पहचान है। वो तो है, तू चुपचाप खाना खा। सिस्टर देखो, अगर किसी तरह हम उसे पुलिस के चंगुल में फंसा दें और उसे 6 महीने साल की सजा हो जाए तो रेखा का दिल उसकी तरफ से बेजार हो जाएगा, वो उसे भूल जाएगी, बस फिर क्या, तलाक और दूसरी शादी। मगर हम उसे किस जुर्म में जेल भिजवाएंगे? वो मैं बताता हूँ। उसकी चिंता मत करो आप, मेरा बॉस इस मामले में बहुत क्लेवर है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। अरे शट अप ब्लडी फूल। थैंक यू दीदी।
अरे कहाँ मेरा भांजा भांजा भांजा, ये है मेरा भांजा। अरे इसके लिए इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत, ये तो बेचारा नन्ना मुन्ना है। अरे माँ कैसी बात करती हो तुम, जिसकी दादी एक करोड़पति हो उसके पास कम से कम इतने खिलौने तो होने चाहिए, है कि नहीं? एक भांजे अपने बाप जैसा डरपोक मत बनना, बल्कि अपनी दादी अम्मा पे जाना, हम तुझे उसके सर पर बिठा देंगे। अरे 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 अरे, मेरे ऊपर नहीं, अरे मेरे ऊपर नहीं, अपनी दादी माँ के सर पर पेशाब करना, ताकि उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए और उसका गुरूर नीचे उतरे। देखो माँ, देखो माँ, हाँ बोल रहे, हाँ बोल रहे माँ। रेखा मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ ना मम्मी। वो जमाई राजा कहाँ है? सुनते हैं, मम्मी बुला रही है। अरे सासू जी आप, सॉरी। रेखा बेटी, अगर मैंने अपने हाथ से तेरी शादी की होती तो तुझे 45 लाख दहेज में दिया होता, मगर तुम दोनों ने चुपके चुपके शादी करके मुझे इस खुशी से महरूम कर दिया। लेकिन फिर भी मैं माँ हूं, तुम लोग अपना फर्ज भूल सकते हो, लेकिन मैं अपना फर्ज कैसे भूल सकती हूँ? आप सच कहती हैं सासू जी, जब तक सास है तब तक आस है, ये दुनिया आप जैसी सासुओं पर तो टिकी हुई है। इसलिए तो मैंने सोचा आज अच्छा दिन है, ये 45 लाख रुपये मैं तुम्हें दे दूं, कभी ना कभी तो देने ही थे। देखा मम्मी हम दोनों को कितना प्यार करती है। बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। जब इनके ब्रीफकेस में इतनी जगह है तो इनके दिल में कितनी होगी। मगर मम्मी हम इन पैसों का करेंगे क्या, हम तो यहीं रहते हैं, यहाँ जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें इन्हें तो पैसों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये दूसरों जैसे नहीं है माँ। जानती हूँ जानती हूँ, मुझे अपने जमाई राजा की खूबियों का अच्छी तरह पता है। ये रुपये मैंने अलग से निकाल के तेरे लिए ही रखे थे, इन्हें रख ले बेटी, शायद कभी काम आ जाए। तू रख लेगी तो मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। क्यों जी आप क्या कहते हैं? माँ बाप का बोझ हल्का करना उनकी संतानों का पहला कर्तव्य, ले लो। जमाई राजा बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसा जमाई राजा सबको मिले, इसे संभाल कर रखना बेटी। हाँ मम्मी। एक मिनट सासू जी, वन मिनट, अपने पांव तो छू लेने दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए सासू जी। इसी तरह बीवी की सेवा करते रहोगे तो खुश रहोगे। थैंक्स। इसे रख दो। नहीं बाबा इसे तुम्हें रखो। रख दो ना, तुम्हारी मर्जी। हमाम हमाम हमाम। बॉस मैं हमाम साबुन से नहा लूं? इसी भी साबुन से नहा ले, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको उल्टा करके देख। ओ! अब इस निशान की चाबी तो बना कर ला, और सुन कोई देख ना ले। बॉस इससे मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी? वो नासिक की जेल वाली बात। अच्छा, अच्छा याद अच्छा। है आपको, आपने एक बार ऐसे ही साबुन पे चाबी की छाप बनाई थी, फिर जेलर साहब ने आपको पकड़ लिया था। देखो मुझे 5 लाख रुपयों की जरूरत है, अभी मेरे पास नहीं है, कल मैंने तुम्हें दिए थे ना, उनमें से निकाल कर दे दो, मैं कल ही दे दूंगी। तुम भी शर्मिंदा करती हो मम्मी, रुपए मेरे पास हो तभी तुम्हारे ही तो हैं, अभी लाए। सुनिए कल आपको जो रुपए दिए थे उनमें से मम्मी को 5 लाख की जरूरत है। अच्छा अभी लाए। अब ये तो जेल जाएगा, ये तो जेल जाएगा, ये नासिक जेल जाएगा, तिहाड़ जेल जाएगा, अपना टिकट कटाएगा, ये तो जेल जाएगा। रेखा रेखा जी, ब्रीफकेस तो है लेकिन पैसे दिखाई नहीं दे रहे, कहीं तुमने तो नहीं लिए? मैंने मैंने तो देखे तक नहीं, कल आप ही ने तो अपने हाथ से अलमारी में रखे थे, ठीक से देखो वहीं कहीं होंगे। मगर इसमें तो नहीं है। क्या हुआ बेटे, रुपये नहीं मिले? 45 लाख रुपये जो मैंने तुम्हें कल दिए थे वो गायब हो गए। हाँ इन्होंने रुपये अलमारी में रख के अपने हाथ से ताला लगाया था, अब रुपये वहाँ नहीं है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ दीदी, 45 लाख रुपये घर से गायब हो गए। इसका मतलब यह है कि जरूर को बाहर से आया होगा और उसने चप्पू चला दिया होगा। नहीं पप्पू, आजकल चोर जेलों में नहीं घरों में रहते हैं। शट अप। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया।
ये बात तुम्हारी या हमारी समझ के बाहर है जमाई राजा, इसे तो पुलिस ही समझेगी। तो आपने रुपए अपने हाथों से अलमारी में रखकर ताला लगाया था? जी हाँ। क्या ताला लगाकर चाबी किसी और को दी थी? जी नहीं। मामला संगीन है, हमें पूछताछ करनी होगी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपको अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता, मैं आपको 45 लाख या 50 लाख दिलवा देती, फिर आपको अपने ही घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी? आपने ऐसा क्यों किया? हमारी इतनी इज्जत है, रुतबा है, भाई साहब अगर जेल जाएंगे तो इसमें हम सबकी बदनामी है। जो दुर्गेश्वरी के सामने गुनाह करेगा उसे सजा मिलनी ही चाहिए, यही न्याय है। गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर जगन्नाथन ने वो कागजात भिजवाए हैं जिनमें उन्होंने दुर्गेश्वरी टेक्सटाइल मिल के अपने शेयर्स आपकी श्रीमती जी के नाम कर दिए थे। पूरा पैसा उनको कल ही मिल गया था। इसमें साफ साफ लिखा है कि 45 लाख के शेयर्स मिस्टर जगन्नाथन से खरीदे गए हैं, फिर चोरी की रिपोर्ट क्यों लिखवाई गई? आपने हमें पहले ही सच सच क्यों नहीं बता दिया? इसलिए कि मैं जानता था कि इस घर में सबूत के बिना कोई मेरी सच्ची बात पर भी भरोसा नहीं करेगा। फोन की घंटी बज रही है, मेरा अमेरिका से फोन आने वाला है, मैं जा रहा हूं। मेरे को भी बहुत अर्जेंट बात करनी है, मैं भी जा रहा हूं। सैटरडे न्यूज़ सिस्टर, माल गॉन विद द विंड। हमारा तो हमाम था, ये लक्ष्य कहां से आ गया? इधर से आया है। ये मत समझना कि साबुन पर चाबी की छाप लेना सिर्फ तुम्हें ही आता है, मुझे भी आता है। जब तुमने मेरी अलमारी की चाबी की छाप ली तो ठीक आधे घंटे के बाद मैंने भी तुम्हारी चाबी की छाप ली। सैटरडे न्यूज़, ये चाबी, ये छाप, ये सब क्या है भैया? ये सब क्या है? ये सब क्या है वही तो मैं पूछने आया हूँ, सच सच बता वरना तेरा क्या होगा जाड़िया। सरदार, मैंने आपका साबुन खाया है। अब थप्पड़ खा। लगता मेरा अमेरिका से फोन आ गया। ट्रिन ट्रिन। आओ भैया। ट्रिन ट्रिन। सासू जी, उस दिन इतने प्यार से अपने सर का बोझ बताकर आपने वो पैसे हमें थमा दिए, आज मेरी बीवी के नजरों में मुझे गिराने के लिए खुद अपने आदमियों से चोरी करवाकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवाया। मगर आपकी ये चाल भी उल्टी पड़ गई सासू जी, आपका एक और मोहरा पिट गया। ये बाजी भी मेरी कैसी रही सासू जी? राजा को खत्म करने का पोल एंड फाइनल सोचना पड़ेगा। अबे खाना खत्म करो, राजा को खत्म करने का कोई प्लान सोच। अरे पर आप ही ने तो कहा था कि प्लान आप सोचेंगे, मुझे उसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको तो तिहाड़ जेल का है। तिहाड़ जेल की है? मेरे दिमाग में एक बात आई है, जब भी दीदी को कोई प्लान बताता हूँ तो मेरे सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। इस बार मैंने सोचा कि प्लान खत्म करने के बाद ही उसको बताऊंगा और ऐसा प्लान बनाऊंगा कि राजा खत्म हो जाएगा। फिनिश।
कीजिएगा, वो मैं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, कसूर तो मेरा है, मैं ही अपने आपे में नहीं था। ये तस्वीर किसकी है और ये सब कौन है? ये अभागा मैं, मेरी बीवी दुर्गेश्वरी और मेरे बच्चे। मैं सब कुछ समझ गया, आप मेरे घर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी। अरे अरे बेटा, ये है इंदु, आपकी बहू। नमस्ते जी। नमस्ते। और आपका पहला पोता पप्पू। बेटा आजा, बेटा आजा आजा। रे रे रे। और मैं आपकी बेटी का पति राजा। रेखा जी, ये देखो कौन आए हैं। कौन है ये? ये तुम्हारे पिताजी हैं, मेरा मतलब तुम्हारे पिता समान है, मेरे चाचा जी हैं। सौभाग्यवती रहो, सदा फूलो पलो। और ये है मेरे साले साहब, आप इन्हें अपना बेटा ही समझिए। ये कौन? तुम्हारा बाप। बाप? डैडी, पिताजी, आप इन्हें अपना पिताजी ही समझिए। आपकी श्रीमती आ रही है। और ये है आपकी श्रीमती सासू जी, मेरी सासू जी। और ये है मेरे चाचा भवानीपुर वाले। सासू जी, मुझे एक डाउट है, आप लोग एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कोई पुरानी पहचान हो, कहीं आपका इनसे कोई पुराना चक्कर तो नहीं था? ये क्या बकवास है, मैंने क्या किसी भी अहरे गहरे को पहचानने का ठेका ले रखा है? सासू जी, वो क्या है कि आप दोनों एक दूसरे को इतने प्यार से देख रहे थे इसलिए मैंने पूछा। मम्मी, मुझे कुछ रुपये चाहिए थे। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मम्मी, मैं तो यहीं रहता हूँ। भगोड़ों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। भगोड़ा? मैं तो घर से निकला भी नहीं। शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े हो गए हो और अपनी जिम्मेदारी से भागते हो। सारे परिवार को भाग्य के सहारे छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ कहाँ सैर करते रहे और अब आए हो अपना हक जताने। सैर? हक? मम्मी, मैं तो। शट अप! अगर एक मिनट भी यहाँ रुके तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ मेरे घर से कहीं दूर। गेट आउट। सासू जी, मैं तो इन्हें यहाँ इसलिए लाया था कि आपसे कहकर अपने चाचा जी का भी यहाँ ठहरने का इंतजाम कर दूं, लेकिन आप तो बिना कुछ कहे ही चली गई। मुझे जाने दो बेटा, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? इतनी भी जल्दी क्या है चाचा जी, अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, उसे मैं खत्म कर लूं, तब तक आप रुक जाइए। म्यूजियम में 2 करोड़ रुपए की चोरी। हैप्पी न्यूज़, हैप्पी न्यूज़, हैप्पी न्यूज़। गुड मॉर्निंग मामा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मामा जी, आप अमेरिका में कौन सी कंपनी में काम करते थे? वो लिंकन एंड ड्रंकन फूड कंपनी में काम करता था मैं। 2000 कैदी काम करते थे उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कंपनी। अरे उस कंपनी में एक हमारा हिंदुस्तानी पार्टनर भी तो है, आप उसे जरूर जानते होंगे, क्या नाम है उसका? वो आईसी मिश्रा। अपना मिश्रा? वो तो अपना पुराना यार है। सिर्फ यार? अरे वो तो अपना लंगोटिया यार है, बचपन में वी यूज्ड टू शेयर द सेम लंगोटी। मैं उसे एक बार रास्कल बोलता था, वो मुझे 3 बार रास्कल बोलता था। रास्कल 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 रास्कल। मैं उसे 1 बार गाली देता था, वो मुझे 3 बार गाली देता था। सैड न्यूज़। मामा जी, इत्तेफाक से वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो हिंदुस्तान आ चुके और शायद वो आने ही वाले होंगे, मेरे ख्याल से आते ही होंगे। अरे अरे, वो तो आ गए। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। हेलो डीडीटी। सिट 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 सिट, एंड हाउ आर यू बीबीसी? हेलो हेलो रास्कल 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 रास्कल। तुम लोगों से मिले हुए कितना अरसा बीत गया। मिश्रा जी, तुम तो कह रहे थे कि डीडीटी मामा ने अमेरिका में तुम्हारी घड़ी चुराई थी। ये बचपन से ही बड़े एक नंबर का चोर रहा है। ए, give me my watch, give me. ये तो मुझे मेरे पिताजी ने दी है। अरे पिताजी ने दी थी, अब दादाजी को दे दो। मेरे पिताजी की घड़ी।
एंड यू बीबीसी, तुम्हें याद है ना अमेरिका के क्लब में तुमने मुझसे लंगोटी की शर्त लगाई थी? अंगूठी मिश्रा, अंगूठी। हाँ, अंगूठी की शर्त लगाई थी और वो शर्त तुम हार गए थे। ये तो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। बीबीसी पिताजी ने दी थी, अब दादाजी को दे दो। पलटू, उन्हें तो सबक सिखा दिया, मगर एक और प्राणी है इस घर में, नीरज मेरा छोटा साला, उसे भी तुम्हें देखना होगा। अरुणा डार्लिंग, तुम रिहर्सल ही करती रहोगी तो कुची 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 कब करोगी? कुची कुची की कोई रुत नहीं होती, कोई मौसम नहीं होता, कोई तारीख नहीं होती। डार्लिंग, तुम्हारे पड़ोस में किसी बुड्ढे बकरे को हलाल किया जा रहा है या कोई गधा इलेक्शन हारने के बाद रो रहा है? नहीं, ये मेरे बाबूजी की आवाज है। बाबूजी, बाबूजी, तुम्हारा बाप, योर ब्लडी फादर, मेरा ससुरा, इतना बेसुरा। मैं इधर से जाता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। बाबूजी इधर ही आ रहे हैं। वो इधर आ रहा है, तो मैं उधर से जाता हूँ। नहीं, 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 नहीं। अच्छा अच्छा, मैं टेबल बन जाता हूँ, तू मेरे पास कपड़ा डाल दे, जल्दी डाल, जल्दी चादर डाल दे, डाल दे। मुझे अपने प्राणों की दासी समझकर पड़ा रहने दीजिए मेरे शरणनाथ। मेरी बच्ची ड्रामे की रिहर्सल कर रही है। मेरी बेटी, अच्छी तरह रिहर्सल करना, नहीं तो भाई दास हॉल में भाई लोग अगर तुम्हारा काम अच्छा नहीं हुआ ना तो सड़े हुए अंडे फेंक के मारेंगे। और बेटी, तू तो जानती है मैं प्योर शाकाहारी हूँ, अंडे वंडे में खाता नहीं हूँ। हाँ, पिछली बार लोगों ने टमाटर फेंक कर मारे थे तो साल भर हमने टमाटरों की चटनी बना के खाई थी बेटी। लगता है मेरे राग का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है, इस टेबल की तो ऐसी की तैसी। अरे अरे, मेरे होने वाले दामाद, अरे तुम हो, अच्छा नाटक कर लेते हो,